हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता की किचन से। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू मसाला, जिसको आप पराठे में यूज़ कर सकते हैं या फिर कचौरी, समोसे, डोसे में आप इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो इस मसाले को आप सिंपल पराठे के साथ या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए आज की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। आलू मसाला बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का ऐड करना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आधा छोटी चम्मच जीरा ऐड कर देना है। साथ ही ऐड कर देना है 1 पिंच के करीब हींग, 7 से 8 कटे हुए लहसुन और साथ ही ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून के करीब कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और इस मसाले को हम हाई फ्लेम पर हल्का सा पिंक होने तक भून लेंगे। जब मसाला भून जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। तो प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है तो हम प्याज के अंदर ऐड करेंगे आधी चम्मच के करीब गरम मसाला, आधी चम्मच के करीब धनिया पाउडर, आधी चम्मच के करीब आमचूर पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मसाले को हम 30 सेकंड्स के लिए भून लेंगे हाई फ्लेम पर। अब हम इस मसाले के अंदर ऐड करेंगे 1 कप ताजी हरी मटर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर को मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हमें मटर को कुक करना है। तो पैन का कवर लगा देंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इन मटर को हम कुक करेंगे 2 मिनट के लिए। अब 2 मिनट के बाद में पैन का कवर हटाएंगे, मटर को चेक करेंगे। मटर सॉफ्ट हो चुकी है, मटर कुक हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। आलू को मैंने मैश कर लिया है, जहाँ तक हो आप आलू को मैश करके ही ऐड करें, आलू को ग्रेट ना करें। अगर आप आलू को मैश करके मसाले के अंदर ऐड करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ ही ऐड कर देते हैं हम 2 से 3 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इस मसाले के अंदर सबसे लास्ट में ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच साबुत धनिया, हाथों से क्रश कर लेंगे। इस आलू मसाले में आप सबसे लास्ट में ही साबुत धनिया ऐड करें, इससे आलू मसाले का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस आलू मसाले को हम दोबारा से कुक करेंगे, तो पैन को कवर कर देंगे और 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। अब 1 मिनट के बाद में पैन का कवर हटाएंगे, आलू मसाले को चेक करेंगे। आलू मसाला बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है साबुत धनिए की। इस मसाले को हम एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे, साथ ही ऊपर से हम हरे धनिए से गार्निश कर लेंगे। तो ये आलू मसाला आप डोसे में यूज़ कर सकते हैं, पराठा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर कचौरी या फिर समोसे बनाने में आप इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं। इस मसाले को आप रोटी के साथ, चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।